Brought to you by Sensodent K. अभी लेके आए सेंसोडेंट के, टूथ का करंट गॉन तो लाइफ का करंट ऑन। हमारे देश में लोग दो हिस्सों में बट गए हैं। नहीं, यहाँ पॉलिटिक्स की बात नहीं हो रही है। एक वो जिन्होंने कोविशील्ड वैक्सीन लगवाई थी और दूसरे वो जिन्होंने नहीं। ये बंटवारा तब हुआ जब कुछ दिन पहले एक वैक्सीन से जुड़ी खबर सामने आई। ब्रिटेन की एक फार्मास्यूटिकल कंपनी है एस्ट्राजेनेका, यानी वो कंपनी जो दवाएं वैक्सीन वगैरह बनाती है, इसने ऑक्सफर्ड यूनिवर्सिटी के साथ मिलकर कोविड 19 की वैक्सीन बनाई थी। और ये वैक्सीन अलग अलग देशों में अलग अलग नामों से बेची भी गई। भारत में इसे कोविशील्ड के नाम से बेचा गया। यहाँ इसको सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के साथ मिलकर बनाया गया। अब यूके में जिन जिन लोगों ने एस्ट्राजेनेका की कोविड 19 वैक्सीन लगवाई थी, उनमें से कुछ परिवारों ने यूके के कोर्ट में कंपनी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया। उनका कहना था कि वैक्सीन लगवाने के कारण उन्हें और उनके परिवार वालों को गंभीर साइड इफेक्ट्स हुए, जिसमें से TTS है। TTS यानी कि थ्रोम्बोसिस विद थ्रोम्बोसाइटोपेनिया सिंड्रोम। इसमें शरीर के अंदर खून के थक्के जम जाते हैं और प्लेटलेट्स की संख्या कम हो जाती है। मई 2023 में एस्ट्राजेनेका ने कहा था कि वैक्सीन के कारण सामान्य तौर पर TTS होने की बात को वो नहीं स्वीकारता है। हालांकि इस साल फरवरी में कंपनी ने कोर्ट में एक डॉक्यूमेंट जमा किया, जिसमें उसने बताया कि कंपनी की कोविड वैक्सीन से कुछ मामलों में TTS हो सकता है। अब लेटेस्ट जानकारी यह है कि एस्ट्राजेनेका कंपनी ने दुनिया भर में अपनी कोविड 19 वैक्सीन की बिक्री बंद करने का फैसला किया है। पर कंपनी का दावा है कि वैक्सीन बंद करने का फैसला साइड इफेक्ट्स की वजह से नहीं लिया गया है, क्योंकि इसकी डिमांड बहुत अब कम हो गई है, इस वजह से उसे बाजार से हटाया जा रहा है। अब भारत में भी कई लोगों ने एस्ट्राजेनेका की कोविड 19 की जो वैक्सीन कोविशील्ड है वो लगवाई थी, और अब उनको चिंता है कि कहीं वैक्सीन का साइड इफेक्ट TTS उन्हें भी ना हो जाए। हाल फिलहाल में तेज़ी से हार्ट अटैक के जो मामले हमारे देश में वो भी बढ़े हैं, और बहुत लोग इसे कोविड वैक्सीन से जोड़कर देख रहे हैं। लोगों में काफ़ी डर है, इसलिए लोगों तक सही जानकारी पहुंचना बेहद ज़रूरी है, ताकि बेवजह दहशत ना फैले। इसलिए आज सेहत में इस पर तफसील से और खुलकर बात होगी। डॉक्टर्स से समझेंगे कि ये TTS क्या है, ये क्यों होता है और इसके होने से क्या होता है, और साथ ही जानेंगे कि वैक्सीन लगवाने के बाद ये दिक्कत क्यों हो रही है। क्या आपको भी TTS हो सकता है? वैक्सीन लगवाने के कितने समय बाद तक आप पर यह खतरा मंडराता रहता है? और सबसे जरूरी बात, इसके संभावित खतरे से कैसे बचा जाए, सुनिए। TTS सिंड्रोम को कहते हैं थ्रोम्बोटिक थ्रोम्बोसाइटोपिनिक सिंड्रोम, यानी कि ये एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें आपकी प्लेटलेट्स भी कम हो सकती हैं और आपके बॉडी के अंदर खून के थक्के भी बन सकते हैं। ये एक बहुत ही रेयर कंडीशन है जो हमने पाई वैक्सीन के बाद, स्पेशली ये जो एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन थी या जो जॉनसन जॉनसन की वैक्सीन थी, इसके जब हमने बहुत सारी मात्रा में लगाया इसको, तब हमने पाया कि ये एक कंडीशन है जो उभर के आई है। ये वैसे और बीमारियों के अंदर भी होती है, लेकिन हमने ये वैक्सीन के अंदर भी पाई गई। इसके जो आंकड़े होते हैं वो बहुत ही रेयर होते हैं, जो हमें समझ में आया है ये लाखों में किसी एक या दो लोगों को होती है। तो अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो चांसेस हैं कि बहुत कम कि आपको TTS सिंड्रोम हुआ हो। जो रिसर्च हुई, जो स्टडीज हुई, जो एपिडेमियोलॉजिकल डेटा आया, उसमें हमें ये समझ में आया कि नॉर्मली जो TTS सिंड्रोम होता है ये वैक्सीन लगने के कुछ हफ्तों के अंदर हो जाता है। नॉर्मली 10 दिन 15 दिन, ज्यादा हुआ तो 1-2 महीने के अंदर इसके इफेक्ट देखने को मिल जाते हैं। होता यह है कि जब वैक्सीन लगती है तो कुछ एंटीबॉडीज बनती हैं जो जाके हमारे प्लेटलेट्स के साथ इंटरैक्ट करती हैं, हमारे कोएगुलेशन सिस्टम के साथ इंटरैक्ट करती हैं, और ये प्लेटलेट्स की काउंट को कम करती हैं और खून के थक्के बनने के जो चांसेस होते हैं उसको बढ़ा देती है। अब ये जो खून के थक्के बने, ये शरीर के किस अंग में बने उससे डिटरमिन होता है कि तकलीफ क्या होगी। अगर ये आपकी टांगों में बने हैं तो इसको हम DVT कहते हैं, जिसको डीप वेन थ्रोम्बोसिस कहते हैं, जब आपके पांव में सूजन आ जाती है, चलने में कभी कभी दिक्कत हो सकती है। अगर ये लंग्स में बनते हैं तो उसको पल्मोनरी एम्बोलिज्म कहते हैं, जब पर आपके खून के आपको सांस लेने में दिक्कत होती है, आपके लंग्स के अंदर खून कम जाता है। और अगर ये ब्रेन में हो जाए तो स्ट्रोक हो जाता है। अगर आपकी पेट की नसों में हो जाए देन यू कैन हैव एब्डोमिनल सिम्टम्स, आपके पेट में दर्द एक्सेट्रा एक्सेट्रा। लेकिन जैसे कि मैंने बताया, यूजुअली ये वैक्सीन लगने के
कुछ हफ्तों/महीनों के अंदर होती है आज की डेट में अगर देखा जाए तो। वैक्सीन को लगे हुए मोस्ट लोगों में 1.5 साल 2 साल 2.5 साल तक बीत गए हैं, तो इट्स अनलाइकली कि आज की तारीख में ये आपको कोई तंग करेगा। जहां तक हार्ट अटैक की बात है, हम लोग को ये देखना चाहिए कि हम आगे हार्ट अटैक की रिस्क को अपनी कम कैसे कर सकते हैं। उसके करने के कुछ ही तरीके हैं, अपनी डाइट पे ध्यान दीजिए, एक्सरसाइज करिए, सिगरेट मत पीजिए, अगर डायबिटीज है, कोलेस्ट्रॉल है तो इसको कंट्रोल करिए, अगर जरूरत है तो दवाइयां खाइए और एक अच्छी जिंदगी जीए। क्योंकि देखिए, जो पुराना हो चुका है उसके बारे में हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन हमें फ्यूचर के बारे में सोचना है। जैसा डॉक्टर साहब ने कहा, जो बीत गया वो बीत गया, अब ज़रूरी है कि फ्यूचर के बारे में सोचा जाए। वैसे तो TTS होने के चांस बहुत कम हैं, क्योंकि जो साइड इफ़ेक्ट होने होते हैं वो वैक्सीन लगवाने के कुछ दिनों बाद ही सामने आ जाते हैं। लेकिन फिर भी किसी संभावित खतरे से बचने के लिए अपना लाइफस्टाइल सुधारिए, हेल्दी डाइट लीजिए, एक्सरसाइज करिए और सबसे ज़रूरी बात, अफवाहों पर यकीन मत करिए, बेवजह पैनिक मत करिए। अब बढ़ते हैं सेहत के अगले सेगमेंट की तरफ, तन की बात। भारत में 56% से ज़्यादा बीमारियां अनहेल्दी डाइट की वजह से होती हैं। इससे बचने के लिए आपके खाने की प्लेट में क्या क्या होना चाहिए, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च यानी कि ICMR ने बताया। भारत में 56% से ज़्यादा बीमारियां अनहेल्दी डाइट की वजह से होती हैं। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च यानी कि ICMR ने यह अनुमान लगाया है। दरअसल हाल ही में ICMR ने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन यानी कि NIN के साथ मिलकर 17 डाइटरी गाइडलाइंस जारी की हैं, यानी हमारे खाने पीने से जुड़े दिशा निर्देश। ICMR और NIN का कहना है कि गाइडलाइंस का पालन करने से शरीर में पोषक तत्वों की कमी पूरी की जा सकेगी, साथ ही नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस यानी वो बीमारियां जो एक से दूसरे में नहीं फैलती हैं, जैसे कि मोटापा, डायबिटीज़ और दिल से जुड़ी बीमारियां, इनका जोखिम भी कम होगा। गाइडलाइंस में कहा गया है कि अगर पौष्टिक आहार लिया जाए, रोज़ाना फिजिकल एक्टिविटीज़ की जाएँ तो कोरोनरी हार्ट डिजीज़ यानी कि दिल की बीमारी और हाइपरटेंशन का खतरा काफ़ी हद तक कम हो सकता है। टाइप 2 डायबिटीज़ में भी आपको लगभग 80% तक राहत मिल सकती है। इसके लिए ज़रूरी है कि अल्ट्रा प्रोसेस्ड खाने से परहेज़ किया जाए, तेल का लिमिटेड इस्तेमाल हो, ऐसी चीज़ें कम से कम खाई जाएं जिनमें एडेड शुगर, ज़्यादा नमक या फिर ज़्यादा फैट हो। ICMR और NIN की सलाह है कि खाने का कोई भी प्रोडक्ट खरीदते समय पहले उसके फूड लेबल्स चेक किए जाएं। अगर वो अनहेल्दी हों तो उन्हें खाने से बचा जाए। इसके अलावा बॉडी बनाने के लिए प्रोटीन सप्लीमेंट लेना अवॉइड किया जाए। आपको अगर बॉडी बनानी है तो पहले अपनी डाइट सुधारिए। गाइडलाइंस के मुताबिक अपने रोज के खाने में तरह तरह के फल और सब्जियां शामिल करिए। प्रेग्नेंट महिलाएं, स्तनपान कराने वाली माएं, बच्चे और किशोरों को दूध, अंडे और मांस खास तौर पर दिया जाए। हमारे खाने की प्लेट के आधे हिस्से में सब्जियां, खासकर हरी सब्जियां, फल और जड़ वाली चीज़ें हों और इसके बाद अनाज हो यानी कि सीरियल्स और मिलेट्स। खाने की प्लेट के तीसरे हिस्से में दालें, मांस वाली चीज़ें, अंडे, नट्स, तिलहन यानी कि ऑयल सीड्स और दूध या दही हो। गाइडलाइंस में कहा गया है कि हमारी कुल एनर्जी में से 45% अनाज से आए, 30% तक एनर्जी फैट से ली जा सकती है, इससे ज़्यादा नहीं। फैट कम होगा तो भी चलेगा। वहीं करीब 14-15% एनर्जी हमें दालें, अंडे और मांस से मिले। साथ ही नट्स, तिलहन, दूध और दूध से बने प्रोडक्ट्स से 8-10% तक ऊर्जा देते हैं। ICMR और NIN के मुताबिक डाइट सुधारने, उनमें पोषक तत्वों की मात्रा बैलेंस करने के अलावा बहुत ज़रूरी है एक्सरसाइज करना। अगर आप डेली एक्सरसाइज करते हैं, अच्छी डाइट लेते हैं तो बहुत सारी बीमारियों से आप बचे रहेंगे, समझे। अब बारी सेहत के आखिरी सेगमेंट की, खुराक यानी झकासी हेल्थ टिप। आपके मसाले शुद्ध हैं या मिलावटी, घर पर ही ऐसे टेस्ट करें। खाने में जब तक मसाले ना डाले जाएं, स्वाद नहीं आता। हल्दी, लाल मिर्च, जीरा वगैरह वगैरह, हमारा खाना इनके बिना अधूरा है। लेकिन मसालों में मिलावट की खबरें अक्सर सामने आती हैं। अभी हाल ही में गाजियाबाद के एक मसाला मिल में छापेमारी हुई। पता चला कि वहां मसालों में कपड़े रंगने वाली डाई डाली जा रही थी। हल्दी और मिर्च पाउडर में सिंथेटिक रंग मिलाए जा रहे थे ताकि वो चमकीले दिखें। अब ऐसे में मसाले खरीदते समय हमें खास सावधानी बरतने की ज़रूरत है। अब चाहें तो घर पर ही मसालों की शुद्धता जांच सकते हैं। इसे लेकर फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी कि FSSAI ने कुछ टिप्स बताई हैं। FSSAI के मुताबिक लाल मिर्च पाउडर में कई बार सिंथेटिक रंग और लकड़ी का बुरादा मिलाया जाता है।
मिर्च पाउडर की शुद्धता जांचने के लिए एक कांच के ग्लास में पानी भरें, फिर उसमें लाल मिर्च पाउडर डालें। अगर इसमें रंग मिला है तो तुरंत ही पाउडर ग्लास की तली में बैठने लगेगा। अगर शुद्ध है तो ऊपरी सतह पर ही रह जाएगा। वहीं अगर ये जांचना हो कि लकड़ी का बुरादा मिलाया गया है या नहीं, तो पानी में लाल मिर्च का सैंपल मिलाइए। अगर लाल मिर्च में बुरादा मिला होगा तो वो पानी की ऊपरी सतह पर तैरने लगेगा, जबकि लाल मिर्च का पाउडर गिलास की जो तली है उस पर बैठ जाएगा। पिसी हल्दी में रंग मिले होने का शक है तो इसे पानी भरे कांच के गिलास में डाल दीजिए। प्राकृतिक हल्दी पानी में डालने पर हल्का पीला रंग छोड़ती है और ग्लास की तली में बैठ जाती है। वहीं मिलावटी हल्दी तेज पीला रंग छोड़ती है और तलहटी में जाकर बैठ जाती है। अगर आपके पास शुद्ध साबुत हल्दी है तो पानी में जाने पर वो कोई भी रंग नहीं छोड़ेगी, मिलावटी होगी तो तुरंत रंग छोड़ने लगेगी। नमक में खड़िया की मिलावट जांचनी हो तो एक कांच के ग्लास में पानी लेकर उसमें नमक मिला दें, फिर पानी को हिलाएं। अगर खड़िया मिली होगी तो ग्लास का पानी सफ़ेद रंग का हो जाएगा। अगर आप नहीं जानते हैं खड़िया क्या है तो ये कुछ चौक जैसी होती है। जीरे की शुद्धता पर रखना चाहते हैं तो अपनी हथेली पर थोड़ा सा जीरा उसको रगड़िए। अगर हथेली पर काला रंग लग जाता है तो समझ लीजिए कि जीरे में चारकोल से रंगे घास के बीजों की मिलावट की गई है। पोषक तत्वों से भरपूर काली मिर्च में भी मिलावट का खतरा रहता है। इसमें पपीते के बीजों को सुखाकर मिलाया जाता है। इसकी शुद्धता जांचने के लिए एक गिलास पानी में एक चम्मच काली मिर्च डाल लीजिए। अगर ये पानी पर तैरने लगे तो समझ जाइए इसमें मिलावट है। वहीं अगर ये नीचे डूब जाए तो इसका मतलब है ये असली है। आप इसे मसालों में लकड़ी के बुरादे और चोकर की मिलावट भी जांच सकते हैं। इसके लिए एक कांच के ग्लास में पानी डालकर उसमें पिसे हुए मसालों का सैंपल मिलाइए। शुद्ध मसाले होंगे तो पानी की सतह पर ना तो चोकर आएगा और ना ही बुरादा। मिलावटी मसाला होगा तो पानी की सतह पर चोकर और बुरादे की एक लेयर बन जाएगी। आज सेहत पर इतना ही। अगर आप एक डॉक्टर हैं, हमसे कुछ शेयर करना चाहते हैं, तो जो ईमेल आईडी इस वक्त आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रही है उस पर हमें एक मेल भेज दीजिए। शुक्रिया।